आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, आप कभी कभी सुबह उठते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आंखों के पास कभी कभी कुछ जमा होता है, मुंह से हल्की स्मेल आती है, यूरिन का कलर ज्यादा पीला आता है, क्योंकि जब हम रात में अच्छी नींद लेते हैं, डीप स्लीप लेते हैं, बॉडी खुद को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी करता है और खुद को रिपेयर भी करता है। इसीलिए कहते हैं अगर आप अडल्ट हैं, 7 से 8 घंटे की नींद हमें रिक्वायर्ड है, उस उतना सोना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, आपके बॉडी में अगर पानी की कमी है, क्योंकि हम सबको पता है जब हम पानी पीते हैं बॉडी का जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो भी खराब चीजें होती है, विषैली चीजें होती है, वो बॉडी से फ्लैश आउट हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन कुछ लोग इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, दिन में 10-10 लीटर पानी पीते हैं। इतना भी पानी पीने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा की एग्जाम्पल देती हूँ, हल्की बारिश हो अच्छा लगता है, बाढ़ आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। पानी पियो, लिमिट में पानी पियो, 3 से 4 लीटर भी अगर आपने डेली पानी पिया तो भी काफी है। कभी अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लिया, कुछ ले लिया, तो आप थोड़ा सा पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं, तो पानी भी लिमिट में ही पीना चाहिए। बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स भी हमारे खाने पे छिड़के जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मोबाइल का रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोगों की आदत होती है रात में तकिए के नीचे मोबाइल फोन रखकर सोते हैं, इसीलिए कोशिश करिए, मोबाइल फोन से बहुत रेडिएशन निकलता है रात में सोने के टाइम पे, या तो फोन को स्विच ऑफ करिए या अपने रूम से बाहर रखिए। जिस एरिया में आप सो रहे हैं वो कम से कम रेडिएशन फ्री होना चाहिए। बहुत सारे एक्चुअली अगर बात करूं तो रीजंस तो बहुत सारे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला काम क्या कर सकते हैं, कोई अच्छी सी बीमारी सेलेक्ट करो जिसका नाम वाम अच्छा हो, बताने में थोड़ा अच्छा लगे कि ये बड़ी वाली बीमारी हुई है, और जिंदगी भर उसके लिए दवाइयां खाओ, जो बहुत सारे लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आप बहुत सारे लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग पेशेंट ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं, पेशेंट के पीछे ही भागते रहते हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रहते हैं। प्लीज पेशेंट ढूंढना बंद करिए, हम इलनेस में डिजीज में काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री क्या कहता है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें बीमार होने से पहले लेने हैं। अगर हम उसको डेली यूज में, डेली लाइफ में अगर हम उसको लेना स्टार्ट करें तो बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी बीमारियों से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल हमने बात किया ऑन एंड ऑन के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में। तो ये हमारा सेकेंड ब्रांड है जो एलिमेंट्स वेलनेस। लेकिन अगर एलिमेंट्स वेलनेस की बात करें तो शायद डॉक्टर DBA नारायणा सर के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है माय फ्रेंड, बिकॉज इनको हमारे एलिमेंट्स वेलनेस का जनक बोला जाता है। नारायणा सर की बात करें तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स इन आयुर्वेदा एंड फार्मा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका आयुर्वेदा एंड फार्मा में। ये और इनकी पूरी टीम मिलकर एलिमेंट्स वेलनेस को नंबर 1 ब्रांड बनाने में लगी है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को ये बनाया, अभी इन्होंने हमारे लिए बनाया है। इन्होंने ये इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, इन्होंने अगर बात करें तो डाबर, हिंदुस्तान लिवर, रेनबैक्सी जैसी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है। इंडिया के एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, ये API के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं, आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं। एंड वी आर वेरी लकी दैट वी आर प्रिविलेज, जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर डीवे नारायणा सर, वो हमारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। अब बात करें, अगर नारायणा सर का हाथ है तो इसके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का अवार्ड मिला है। एलिमेंट्स वेलनेस को इकोनॉमिक टाइम्स ने बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का अवार्ड दिया। लेकिन अगर बात करें, आज तक ये अवार्ड जब भी किसी को मिला है वो सारी कंपनीज को मार्केट में 10, 15, 20, 30 इयर्स होने के बाद ये सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन पहली बार उनके हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में किसी ब्रांड को ये सर्टिफिकेट मिला है। दूसरी चीज, आज तक कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी को ये नहीं मिला है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है माय डियर फ्रेंड। और ये बताता है कि हमारी कंपनी आज इंडिया की बेस्ट एक ब्रांड बन चुका है, और एक ऐसा ब्रांड जो ना तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचा रहा है, और एक ऐसा ब्रांड जिसको आप प्राउडली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, इस वीडियो को जरूर देखिए तो आपको पता चलेगा हमारा ब्रांड आज इंडिया का बेस्ट ब्रांड है। No Times Best Healthcare Brands, ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many, many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. Mm-hmm.
तो ये जो हमारा ब्रांड है, ये ब्रांड हमारा आयुर्वेदा पे बेस्ड है। और आयुर्वेदा की बात करूं तो आयुर्वेदा एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो बहुत हजार सालों से वेलनेस पे ही काम कर रहा है। आयुर्वेदा हमें बताता है कि कैसे हम बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर बेसिक आज हम बात करेंगे, आयुर्वेदा में बोला जाता है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स। हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना है, जैसे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये पांच तत्व मिलाकर हमारे बॉडी में तीन तरीके के दोषास बनाते हैं। जैसे आप ये ऊपर एक फोटो देख रहे होंगे, कहते हैं हमारी जो फाइव फिंगर्स हैं, जो पांच उंगलियां हैं, वो भी पांच एलिमेंट्स को, पांच तत्वों को बताती है। आयुर्वेद का कहना है कि जब हमारी ये तीनों दोषास होते हैं, वो बैलेंस होते हैं, तो जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बीमारी कब होती है? जब इनका बैलेंस खराब होता है, इनका संतुलन खराब होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बोला जाता है, चेस्ट के ऊपर की जो भी बीमारियां हैं, जैसे आपका थायराइड हो गया, कफ हो गया, अस्थमा हो गया, सारी प्रॉब्लम कफ के रिलेटेड होती है, जो हमारा कफ बैलेंस नहीं होता। इसीलिए आयुर्वेद में बोला जाता है कि इन तीनों दोषास को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बात करें, आप आज हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे किस प्रोडक्ट से, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस इम्यूनोथ्री प्लस। और एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद ये इम्यूनोथ्री प्लस के बारे में बहुत बार मेरी ट्रेनिंग भी अटेंड की होंगी, और भी ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अटेंड की होगी, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा एक मानना है, जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, जब भी आप कोई ट्रेनिंग दोबारा या तीन बार चार बार अटेंड करते हो, आपको हर बार कोई नई चीज जरूर सीखने को मिलती है। तो उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने आज ये ट्रेनिंग पहले भी अटेंड की है, आज भी शायद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिए और डायरी पेन को ओपन रखिए, बिकॉज हम एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं और हम इम्यूनो थ्री प्लस के बारे में बात कर रहे हैं। इम्यूनो थ्री प्लस दो चीजों पर बहुत ज्यादा काम करता है, और ये दोनों चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र, और दूसरा है आपका इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत। आयुर्वेदा में पाचन क्रिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। कहते हैं हमारा डाइजेशन एक बहुत जरूरी चीज है। आपका जो पेट है अगर वो अच्छा है, आपका गट अगर अच्छा है, तो बहुत सारी बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। आयुर्वेदा में डाइजेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। आयुर्वेदा में बोला जाता है आप जब भी खाना खाते हो, खाने को चबा चबा के खाओ, क्योंकि जब आप खाने को चबा के खाते हो, जो सलाइवा खाने में मिक्स होता है, क्योंकि हम इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, क्योंकि हम रोटी चावल ज्यादा खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को जो पचाने की चीज होती है वो आपके सलाइवा में होती है, लार में होती है। आयुर्वेद में बोला जाता है खाना खाने के एक घंटे के बाद पानी पियो, क्योंकि जो आपका पेट में जो डाइजेस्टिव जूस बना है, जो आपका खाने को पचाने में हेल्प करता है, वो डायल्यूट हो जाते हैं, इसीलिए खाना खाने के एक घंटे के बाद पानी पियो। तो आयुर्वेदा में डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, पाचन तंत्र को लेकर बहुत सारी चीजें बोली जाती है। बोला जाता है अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा है, सही है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपका जो उम्र होता है वो बढ़ जाता है, आप खुश महसूस करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा स्लो है, आपका खाना अच्छे से पचता ही नहीं है, आपने खाना खाया और एक घंटे के बाद भी आपको बेल्चिंग हो रही है, खट्टी डकारे आ रही है, आपको हमेशा वीकनेस लगेगा, आपको आलस आएगा, लेथार्जी फील करेंगे, आपको हमेशा सोने का मन करेगा। तो डाइजेशन की अगर बात करें, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप जब खाना अपने मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, सलाइवा लार से खाना मिक्स होता है, और वो उसको खाने को हमारे फूड पाइप से लेकर, खाने की पाइप से लेकर वो हमारे पेट में चला जाता है। जैसे खाना पेट में जाता है, वहां पे उसको ग्राइंडिंग होना, जैसे आप ये समझ लीजिए मिक्सर ग्राइंडर चलना स्टार्ट हो जाता है, खाना हमारे डाइजेस्टिव जूस में जो है, जो खाने को पचाता है, उसको मिक्स करता है, उसके बाद हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत में जाता है, फिर हमारी बॉडी से जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी खाने में अच्छे तत्व है, पौष्टिक तत्व है, वो जो खाने में होता है, अगर बात करें वो जो खाने में होता है, जो अच्छी चीजें होती है, वो आपका जो छोटा आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो खराब चीजें होती है आपकी बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में फिर वो चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। लेकिन बात करें, आज अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों का जब खाना अच्छे से नहीं पचता, एग्जाम्पल से समझिए, आप घर में राशन, आप घर में सब्जियां लेकर आते हो, आप सब्जियों को लाकर रख देते हो, आप उसको यूज नहीं करते हो, बस वो सब्जियां रखी हुई हैं, कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो सब्जियां सड़ने लगेंगी, उसमें से स्मेल आने लगेगा, बदबू आने लगेगी, उसमें कीड़े मकौड़े लगने लगेंगे। वही हमारी बॉडी में होता है, आपने खाना डाला लेकिन खाना अगर अच्छे से पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें टॉक्सिक चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, वो टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसी चीजें जब आपके बहुत देर तक आपकी आंतों में रहती हैं, इंटेस्टाइन में रहती हैं,
तो हमारे एंटेस्टाइन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पौष्टिक तत्वों को आपके खून में लेकर जाती हैं, और वही खून में जाती हैं और आपके पूरे बॉडी में जाती हैं। लेकिन अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तो खराब चीजें, टॉक्सिक चीजें आपके ब्लड में चली जाती हैं, और जब वो ब्लड में चली जाएंगी तो आपके अलग अलग एरियाज में जाने लगती हैं और बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं अमा, अनडाइजेस्टेड फूड। जब आपका खाना अच्छे से नहीं पचता तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगा, आपका पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा। कुछ लोगों के टंग पे, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, जीभ पे बहुत ज्यादा पीला कोटिंग होने लगता है, व्हाइट कोटिंग आने लगता है, मुंह से हमेशा स्मेल आती है, या बहुत सारे लोगों को हमेशा आलस फील होने लगता है। तो देखा गया कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन सारी प्रॉब्लम्स पे काम करे, तो एक ऐसा प्रोडक्ट दिया गया। से आज, ये अभी की बात नहीं है, ये मैं आपको 2000-3000 साल पुरानी बात में बता रही हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जिसमें देखा गया कि हमारा तीन चीजें हैं, ऐसे तीन फल हैं, लेकिन अगर आप बात करें मार्केट में सारे फल हैं जो कोई आपके वात को बैलेंस करता है, कोई पित्त को बैलेंस करता है, कोई कफ को बैलेंस करता है, लेकिन तीन ऐसे फ्रूट्स को देखा गया जिसको बोला गया ये आपके वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, इसको त्रिदोष नाशक बोला जाता है। और इन तीनों फ्रूट्स को मिलाकर एक बहुत ही यूनिक चीज बनाई गई जिसको बोला जाता है त्रिफला। नाम ही बताता है, तीन फलों का कॉम्बिनेशन। ये तीन फलों के कॉम्बिनेशन को जब ये त्रिफला बनाया गया तो इसको देखा गया कि ये त्रिदोष नाशक जैसा भी काम करता है, आपके तीनों दोषों को बैलेंस भी करता है। त्रिफला के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताई जाती है, त्रिफला को एक नित्य रसायन बोला जाता है। नित्य रसायन का मतलब क्या है? नित्य मतलब रोज, एक ऐसी चीज जिसको आप रोज और साल भर खा सकते हैं, इसीलिए त्रिफला को नित्य रसायन बोला जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप साल भर कंटिन्यू खा सकते हैं। इसको पॉली हर्बल मेडिसिन भी बोली जाती है। पॉली हर्बल का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, हर्बल मतलब जड़ी बूटियां। जब बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है उसको पॉली हर्बल मेडिसिन देखा जाता है, बोला जाता है। अगर आप बस आंवला खाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको दो से तीन चीजों और भी चीजों के साथ मिक्स करके खाते हैं तो उसकी जो पोटेंसी होती है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। त्रिफला को 1:1:1 के रेशियो में बनाया जाता है। इसका मतलब अगर आपने 1 kg त्रिफला लिया, 1 kg आंवला लिया है, तो आपको 1 kg हरीतकी और 1 kg विवितकी ही लेना पड़ेगा। इसको हमेशा इक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है, जिसको हम सम मात्रा भी कहते हैं। एक साथ आपको तीनों लेना है और तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है तो ही त्रिफला का ये पाउडर बनता है। हरीतकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, क्योंकि हरीतकी को किंग ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। आंवला हम सबको पता है, आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी बहुत सारी चीजों में हमने हेल्प करता है, जो हमने कल 95 में भी उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन अगर बात करें, त्रिफला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता चल गया। लेकिन त्रिफला मार्केट में कैसे अवेलेबल है? वो पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर पाउडर की बात करें, अगर आपको त्रिफला के सारे बेनिफिट्स एक साथ लेने हैं तो मिनिमम 3 से 6 ग्राम त्रिफला आपको रोज खाना पड़ेगा। लेकिन पाउडर में प्रॉब्लम क्या है? इसका टेस्ट बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं होता है। और जब आप पानी के साथ लेते हैं, ये ड्राइड पाउडर फॉर्म में होता है, तो पानी के साथ जब आप लेते हैं तो आपको कफ भी आ सकता है, जब आप खांसी भी आ सकती है, और बहुत दिनों तक छोड़ दिया तो इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब कीटाणु लगने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपने उसको ज्यादा देर तक छोड़ दिया। हमारी कंपनी ने क्या सोचा, मार्केट में इसके टैबलेट्स भी आना स्टार्ट हो गए। तो टैबलेट्स की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट, अगर आप 3 से 6 ग्राम त्रिफला का टैबलेट लेते हैं तो आपको 6 से 8 टैबलेट दिन में 2-2 बार लेना है। और अगर आप कैप्सूल्स, कोई मार्केट में जो नॉर्मली कैप्सूल्स भी त्रिफला के मिलते हैं, अगर आप वो त्रिफला के कैप्सूल्स लेते हैं तो आपको मिनिमम 6 कैप्सूल्स एक दिन में लेना है, जो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई दिन भर त्रिफला के टैबलेट्स या कैप्सूल्स ही नहीं खाते रहेगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर नारायण सर, उन्होंने एक स्पेशल तरीका निकाला और सोचा कि इतनी अच्छी जो धरोहर है हमारे आयुर्वेद की, इतनी अच्छी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आयुर्वेद की, क्यों ना उसको कोई डिफरेंट तरीके से बनाया जाए। तो पहली बार आयुर्वेद की हिस्ट्री में त्रिफला को यूज करने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, जिसको हम कहते हैं ट्रीचुरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को यूज करके हमने इम्यूनो 3+ बनाया। अब अगर बात करें ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिचुरेशन को थोड़ा सा समझिएगा। ट्रिचुरेशन में होता क्या है, सबसे पहले हम आंवला, हरीतकी और विवितकी का हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसका हम एक पेस्ट बनाते हैं।
उस पेस्ट को हम किसके साथ मिक्स करते हैं, आंवला, हरीतकी और विवेकी के पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। पाउडर हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है जो पाउडर होता है उसमें उसके फाइबर्स रहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप ऑरेंज का जूस निकाल रहे हैं, आप एक साइड जब जूस निकालते हैं तो एक साइड जूस निकलता है और दूसरे साइड उसका फाइबर होता है। हम नॉर्मली फाइबर को फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता है आपके डाइजेशन को अच्छा करने में, पाचन तंत्र को अच्छा करने में वो जो फाइबर हमने फेंक दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 से 3 बार हम आपके पाउडर से मिक्स करते हैं। पाउडर का बेनिफिट क्या होता है, हमें फाइबर भी मिल जाता है और जो फाइबर्स है वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो हमने पहले आंवला, हरीतकी और विवेकी का एक पेस्ट लिया, उसका एक्सट्रैक्ट लिया, उसके बाद हमने उसको पाउडर के साथ मिक्स किया, फिर हमारा एक पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर हम दूसरी बार फिर से आंवला, हरीतकी और विवेकी के त्रिफला का पाउडर लेते हैं, फिर से इसको मिक्स करते हैं, फिर हम ये प्रोसीजर फिर एक बार और मिक्स करते हैं। मतलब 2 से 3 बार, अगर नारायणा सर की लैंग्वेज में बात करें 2 से 3 बार हम इसको घोटा लगाते हैं, मतलब इसकी पोटेंसी जो है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। मार्केट में अगर जहां पे आप 3 कैप्सूल्स खा रहे हैं वहां पे अगर आप इम्यूनो 3+ का 1 कैप्सूल भी खा लेते हैं उससे ज्यादा अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इसको ट्रीचुरेट करके बनाया गया, घोटा लगाकर बनाया गया। बात करें हमारा इम्यूनो 3+ कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले ये हमारे पेट को मजबूत करता है। आपको पता है पेट हमारा कंट्रोल रूम है, बोला जाता है अगर पेट अच्छा है आपका बहुत सारी बीमारियां आपका होने से बच जाएंगी, क्योंकि अगर आपका खाना ही अच्छे से नहीं पच रहा, जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा चीजें सड़ने लगेंगी तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपका पेट मजबूत है, आपका गट स्ट्रांग है, तो आप बहुत सारी बीमारियों को खुद से बचा सकते हैं। उनके लिए भी इम्यूनो 3+ बहुत अच्छा है, जिनका पेट साफ होने का प्रॉब्लम होता है, पेट साफ ही नहीं होता तो आप उनको इम्यूनो 3+ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये कोई लैक्सेटिव नहीं है, हाँ ये एक माइल्ड लैक्सेटिव जैसा काम करता है। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो आपके पेट साफ करने में हेल्प करती है, जैसे आपने इसबगोल नाम सुना होगा, सीलियम हस्क जिसको हम कहते हैं, पानी में उसको करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो ऐसा काम नहीं करता। बट अगर लंबे समय तक आप लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको अच्छा कर देता है, आपके पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करता है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या है, आप जब खाना खाते हैं तो आपके मुंह से लेकर जो खाना आपके पेट में जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, सबका ख्याल रखता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। बीमारियां कब होती हैं, जब हमारी बॉडी का बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाता है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। गुड बैक्टीरिया क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनका खाना क्या है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जब हम वो सब अपने डेली लाइफ में नहीं खा पाते हैं तो बैड बैक्टीरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो हम पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें ज्यादा खाते हैं। तो ये क्या करता है, आपके बैड बैक्टीरिया जो है उनको भी अच्छा, आपके पूरे जो आंतों का ख्याल रखता है, आपके पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का ख्याल रखता है। आगे बात करें आपकी आई साइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जो अपना त्रिफला होता है, त्रिफला आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है और आपकी आवाज को अच्छा करता है। यूनिक ट्रिचुरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, पहली बार आयुर्वेदा इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया गया है। बेनिफिट्स हमें चूरन का, जैसे मार्केट में या तो आपको पाउडर मिलेगा, या तो आपको टैबलेट्स मिलेंगे, या आपको ऐसे कैप्सूल्स मिलेंगे जो आपको 5 से 6 कैप्सूल दिन भर में खाने होंगे। लेकिन हमने क्या किया है, ना टैबलेट में बनाया है ना पाउडर के फॉर्म में, हमने कैप्सूल्स का यूज किया है जो ईजी होता है किसी के लिए भी खाने के लिए, और वो भी ट्रीचुरेट करके हमने इसमें त्रिफला को डाला है। और ये आपके जो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोतियाबिंद के पेशेंट्स को देना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आपके मोतियाबिंद को ठीक कर देगा। देखिए जब हमारी एज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज में आगे चलकर मोतियाबिंद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई पर्सन कम एज से ही, अगर 30-40 ईयर्स की एज से ही अगर इम्यूनो 3+ रेगुलर लेना स्टार्ट करता है, इट प्रोलॉन्ग्स ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट, कैटरैक्ट होने से बचाने में मदद करता है। प्लीज ये मोतियाबिंद के पेशेंट को ये बोलकर मत दीजिए कि आपका कैटरैक्ट ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बोलकर भी हमें कभी किसी को रॉन्ग कमिटमेंट करके कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। और पाइल्स होने सा, बहुत सारे लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, पाइल्स का प्रॉब्लम का मेन कॉज है आपका डाइजेशन अगर सही नहीं है, आपका खाना अगर अच्छे से नहीं पच रहा है तो ही पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे अच्छी बात, आपके डाइजेशन को ही अगर अच्छा कर देगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ये देना किसको है, इसको याद रखिएगा,
जिसका पेट साफ नहीं हो रहा, खाने का खाना खाया लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है नेक्स्ट डे, या बाहर का खा रहे बीमार हो जा रहे हैं, कहीं पे गए हैं वेदर चेंज हुआ है और बहुत जल्दी सर्दी खांसी फीवर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को जिनको चश्मा लगा है या कभी कोई कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके कुछ दिनों के बाद आप रिकमेंड कर सकते हैं, या हल्की फुल्की आंख का कोई इश्यू है उसमें आप दे सकते हैं। और ये कितने एज के ऊपर के लोगों के लिए है, 12 प्लस, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसको कितने उम्र के लोगों तक देना है, 12 साल के ऊपर अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये एक नित्य रसायन है। नित्य रसायन का मतलब आप इसको साल भर ले सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, कभी भी कोई प्रोडक्ट आप लगातार मत लो। अगर आपने 2 से 3 महीने लिया, 3 महीने के बाद एक स्टॉप कर दीजिए, 1 महीने का, 1 महीने के बाद फिर से आप इम्यूनो 3 प्लस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप करना है, फिर से आपको इम्यूनो 3 प्लस कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस प्रोडक्ट को आपको साल भर लगातार ले सकते हैं। अब क्या चीजें ध्यान देनी है, सबसे पहले किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं होता है, तो ये बोलकर नहीं देना है ले लो ये लेक्सेटिव है, ये कोई लेक्सेटिव नहीं है, लंबे समय तक लेंगे तो शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज, किसी को कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है या आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा कम हो गई है, या बहुत लोग होते हैं देखते इधर है लग रहा है देख रहे उधर, स्क्विंट आई जिसको हम कहते हैं, इन सारे केसेस में हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। अगर कभी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है डायबिटीज बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोगों को आंखों की रोशनी जाने की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस के लिए हमें ये क्योर करने के लिए नहीं देना है। तो ये हमारा 95 था, जिसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, पेट ना खराब हो दोबारा ये है आंखों का तारा। तो ये हमारा 95 था, सॉरी इम्यूनो 3 प्लस था, जिसके बारे में हमने अभी इन्फॉर्मेशन ली है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, वो पेशेंट ही ढूंढते रह जाते हैं, वो हमेशा बहुत सारे मुझे मेल्स आते हैं कि मैडम ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो क्या देना है। तो अभी मैं एक हेल्थ केयर मीटर पे बात करूंगी, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। आपको मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे मुझे बहुत सारे केसेस ऐसे बहुत सारे लीडर्स भेजते हैं, मैडम ये 4 स्टेज कैंसर का पेशेंट है, लास्ट स्टेज है, तो वो क्या दे सकते हैं। तो सीरियस केसेस वाले भी आपको मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जिनको कोई छोटी मोटी बीमारी है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, जैसे बहुत सारे लोग जो आज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम लगी रहती है, किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी को बॉडी में वीकनेस है, थोड़ी आयरन की कमी है। मार्केट में आपको ऐसे भी मिलेंगे लोग जो बोलेंगे कि हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं अच्छा फील कर सकता हूँ। अगर बहुत सारे ऐसे आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है जो आज हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आपको मार्केट में ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको आप कुछ भी समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इंसान नहीं, वो भगवान लोग हैं, धरती पे आए हुए। ऐसे लोगों के पैर पे 2 फूल रखो और आगे निकल जाओ। तो ऐसे लोगों का आपके साथ बहस नहीं करनी है, ऐसे भी लोग मार्केट में आपको मिलेंगे। लेकिन हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, हम सबसे पहले पेशेंट को ढूंढते हैं। आपको पता है पेशेंट को क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत हमें उधर ही मिलती है, तो हमें पेशेंट को नहीं ढूंढना है। प्लीज ये चीज याद रखिएगा, हमारा जो कस्टमर बेस मार्केटिंग है वो ये 2 कैटेगरी है, कुड बी बेटर एंड हैविंग प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग जो अच्छा रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, और ऐसे लोग जिनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है मार्केट इनका ही ज्यादा बड़ा है। हमें वेलनेस की तरफ काम करना है, हमें इलनेस की तरफ काम नहीं करना है। तो अगर बात करें, और अभी लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं, बट उसके पहले मैं एक पॉइंट आपसे और बात करना चाहूंगी, वो क्या है, जो कल मैंने लास्ट में भी बात की थी। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज ऑनलाइन पोर्टल ई कॉमर्स साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज हमारे अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते रेट में है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो ऑनलाइन पोर्टल को यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, आप कभी भी सस्ते रेट में जो आपको कंपनी डीपी प्राइस दे रही है या एमआरपी प्राइस दे रही है, प्लीज उस पे ही आपको ये प्रोडक्ट देना है। दूसरी चीज, अगर आप ये सस्ते रेट में अगर आपको कहीं से भी ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको कभी भी ये ऑनलाइन पोर्टल से बाय नहीं करना। अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल से बाय किया और कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है, बहुत सारे उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता वो क्यों इस सारे प्रोडक्ट्स को सस्ते रेट में बेच रहे हैं। तो कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, क्या क्या ऑप्शन है? पहला, इंडिया शॉपी का ऑप्शन है, पीयूसी का ऑप्शन है, आप पीयूसी पे जाकर ले सकते हैं, इंडिया शॉपी के आउटलेट पे ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों जगहों पे नहीं जा पा रहे हैं, indiashopee.com ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप सारे प्रोडक्ट्स को जाकर बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन जाइए, प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको किसी जगह का एड्रेस भी चाहिए
ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन इंडिया शॉपिंग आप जाते हैं तो आप सारे आपको एड्रेस भी मिल जाएंगे। अब 5 मिनट के लिए हम सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। कैन वी गिव टू एज अबव 76? यस यू कैन गिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, आप नित्य रसायन है तो आप कभी भी ले सकते हैं। फिर लोगों ने पूछा है कि अल्सर या स्टमक अल्सर में आप देखिए, आप कभी भी किसी को ये बोलकर मत दीजिए कि ये ले लो और आपका अल्सर ठीक हो जाएगा। अगर वो एक अच्छी डाइट, ज्यादा वेजिटेबल्स या हरी चीजें खाते हैं और इम्यूनो 3+ भी आप साथ में दे सकते हैं तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। मैम पाइल्स के क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? पाइल्स में आप इम्यूनो 3+ ले सकते हैं। मैं आपको पहली बोल रही हूँ, कभी भी किसी को ये बीमारी में बोलकर नहीं देना है, तो आप इम्यूनो 3+ उसमें दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैन वी टेक लिव अगेन? डेफिनेटली आप ले सकते हैं। एलिमेंट्स का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट्स है उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक डिफरेंस रखिएगा तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 कोर्स कितना बॉटल? एक जो हमारा बॉक्स है वो 1 महीने का डोज है। एलिमेंट्स वेलनेस के जो भी बॉक्स हैं, अभी अगर बात करें जो हमारा पुराना रेंज है, सब में 60 कैप्सूल्स है जो 1 महीने का डोज है, तो आपको सुबह शाम लेना है 1-1 कैप्सूल। COVID-19 के लिए प्लीज आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना। एक सर ने बोला कि क्यों COVID-19 के पेशेंट्स को दे सकते हैं? आपको हमारा कोई भी प्रोडक्ट COVID-19 के किसी भी पेशेंट को नहीं देना है। हमारे कोई भी प्रोडक्ट COVID-19 को ठीक करने के लिए नहीं है, नहीं तो अमेरिका को हम खुद ही भेज देते। तो आप प्लीज COVID-19 को कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं भेजना है। तो हाँ, एक ने पूछा है कि डायबिटिक में क्या ये प्रोडक्ट यूजफुल है? बिल्कुल यूजफुल है। अगर बात करें जो हरीतकी है और जो आंवला है, वो सारी चीजें आपके शुगर लेवल को, स्पेशली हरीतकी जो है उसमें 2 तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो यस, डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारी आज की ट्रेनिंग थी, आई होप हम जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू, थैंक यू सो मच।